मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर दिया बड़ी घटना को अंजाम। शुक्रवार की रात दो लोगों को अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। इलाके में दहशत का बना माहौल। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात महज एक घंटे के अंतराल पर अपराधियों ने दो बड़ी घटनाओं को दिया अंजाम। आपको बता दें कि पहली घटना शाम करीब 7 बजे की है। संगम घाट पर सीतामढ़ी जिले के बेलसंड PHC मैनेजर श्रीनिवास की गोबरसही आवास लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। जख्मी अवस्था में मैनेजर को SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि दूसरी घटना अहियापुर के ही शहबाजपुर राघोपुर चौक के पास की है, जहां अपराधियों ने सोनू पासवान नामक युवक पर हमला कर ताबड़तोड़ 3-4 गोली दाग दी। घायल अवस्था में SKMCH में भर्ती कराया गया युवक को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाने के क्रम में ही युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिले के SSP मनोज कुमार, CT SP नीरज कुमार सिंह और नगर DSP मुकुल रंजन SKMCH पहुंचकर घटना की ली जानकारी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हम लोग वहाँ डेरा में खाना वाना खा रहे थे, तो वहाँ थाना का मुंशी आया इनका फोटो लेकर कि मैनेजर साहब को गोली मार दिया गया। हम लोग दौड़े दौड़े आए, मोबाइल पर इनका फोटो देखे, उसके बाद हम लोग तत्काल एम्बुलेंस से यहाँ आए इनको देखने के लिए। और मालूम हुआ कि संगम घाट कोई है, वहीं पर गोली मार दिया गया। क्या लग रहा है देखने से? देखने से क्या लग रहा है आप लोगों को? देखने से लग रहा है कि व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, छीन झपट का केस है ना सर, तो यही लग रहा है कि इनका किसी से कोई दुश्मनी था नहीं, उसके चरित्र के आदमी थे नहीं। क्या करते थे? हेल्थ मैनेजर थे बेलसंड हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजर। क्या नाम है? श्रीनिवास जी। घटना कब हुआ है? घटना लगभग समय 5 बजे तो वहाँ से चले हैं, 6:30 7 बजे की घटना है। क्या किया है परिजन यहाँ पर है, वो भी अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं। घटना का उद्भेदन होगा और कार्रवाई होगी। सर दो घटना है इसमें, एक अलग घटना है और दूसरी जगह घटना घटी है, जो भी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। कितने गोली लगी सर? कितने गोली लगी? अभी वो डॉक्टर बता पाएंगे। कहाँ का रहने वाले? एक अहियापुर के रहने वाले और एक बेलसंड के रहने वाले। सर घटना का कारण? घटना कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक, थैंक यू सर।